करतल ध्वनि से जोरदार तालियां बजाकर बच्ची का हौसला बनाएं। नमस्कार सभी आदरणीय अध्यापकों, मेरी तरफ से अध्यापक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम नीचा है, मैं 9वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मैं आपके साथ कुरुक्षेत्र शैक्षणिक के ब्राह्मण के बारे में कुछ बातें शेयर करना चाह रही हूँ। मैं हरियाणा सरकार का बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने हमारे बारे में इतना सोचा, जो हमें कुरुक्षेत्र जैसे पवित्र स्थान पर लेकर गए। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मुझे कुरुक्षेत्र का भ्रमण करने का मौका मिला। जब हम वहाँ गए तो हम किसी चीज की कमी महसूस नहीं हुई। हमारे रहने और खाने पीने का बहुत ही अच्छा प्रबंध किया हुआ था। हम सभी ने कुरुक्षेत्र में बहुत मजे किए। हमने कुरुक्षेत्र में बहुत ही अच्छी चीजें देखी और उनके बारे में बहुत कुछ जाना। जब हम कुरुक्षेत्र के प्रसिद्ध स्थान ज्योतिषर गए तो हमें वहाँ के गुरु जी ने बताया कि कुरुक्षेत्र का नाम कुरुक्षेत्र क्यों पड़ा। तो उन्होंने हमें बताया कि कुछ हजार लाखों वर्षों पूर्व यह कुरुक्षेत्र जैसा पवित्र स्थान बंजर बना हुआ था। तो वहीं उस क्षेत्र के आसपास एक राजा रहता था जिसका नाम कुरु था। वह चाहता था कि यह क्षेत्र मेरा हो और वह चाहता था कि यह क्षेत्र हरा भरा और इसमें ऐसे स्थानों का निर्माण हो कि जिसे इस धर्म के नाम से जाना जाए। और यह हुआ भी। बाद में यह क्षेत्र धर्म क्षेत्र के में विकसित हो गया और इसलिए हम इस क्षेत्र को कुरुक्षेत्र नाम से जानते हैं। और इसके बाद हम गुरु जी ने यह भी बताया कि कुरुक्षेत्र के प्रसिद्ध स्थान ज्योतिषर में श्री कृष्ण जी ने एक मंदिर के सामने एक वृक्ष के नीचे बैठकर अर्जुन जी को गीता का उपदेश दिया था। उसके बाद हमने उस स्थान के दर्शन किए और फिर हम कुरुक्षेत्र का एक और प्रसिद्ध स्थान चिल्ली का मकबरा घूमने गए और वहाँ हमने बहुत ही बड़ी इमारत देखी जो कि बहुत ही सुंदर इमारत थी और देखने में यह इमारत कुरुक्षेत्र की सबसे बड़ी इमारत लगती थी। हमने वहाँ देखा कि इस इमारत के बिल्कुल बीच वाले कमरे में शिव चिल्ली और उनके परिवार की कब्रें दफनाई हुई थी और शिव चिल्ली का मकबरा थोड़ा सा डरावना और विचित्र था। वहाँ बहुत सी बड़ी बड़ी जेली भी बनी हुई है। यह इमारत बहुत ही पुरानी इमारत थी। और फिर हम कुरुक्षेत्र के बहुत ही पवित्र स्थान ब्रह्म सरोवर घूमने गए। ऐसा माना जाता है कि जहाँ पर ब्रह्मा जी ने प्रथम यज्ञ किया था और शिव जी की जटाओं से गंगा का निर्माण हुआ था। यह बहुत ही बड़ा सरोवर है जिसकी गहराई लगभग 15 फुट की होगी और इसलिए इस स्थान को ब्रह्म सरोवर के नाम से जाना जाता है। फिर हम श्री कृष्ण संग्रहालय घूमने गए। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर महाभारत का 5वां युद्ध हुआ था। वहाँ पर बहुत ही बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनी हुई है और वहाँ पर ऐसा दृश्य बनाया हुआ है कि मानो ऐसा लगता है कि वहाँ महाभारत का अब भी युद्ध चल रहा हो। और वहाँ पर इन चीजों को और अच्छे से समझने के लिए वहाँ पर एक पुस्तकालय भी बना हुआ है। फिर हम पैरानोमा घूमने गए जिसे विज्ञान केंद्र भी कहा जाता है। मुझे लगता है कि यह हरियाणा का सबसे बड़ा विज्ञान केंद्र होगा और वहाँ पर बहुत ही विभिन्न प्रकार की चीजें थी जो देखने में बहुत मजेदार लग रही थी। और यह चीजें किताबों में पढ़ने से ज्यादा देखने में कहीं मजेदार लग रही थी। विज्ञान के साथ साथ उसने गणित विषय का भी प्रचार प्रसार किया हुआ है। फिर हम कल्पना चावला तारा मंडल घूमने गए। यहाँ पर कल्पना चावला की यादों को संयोग की रखा गया है जो कि करनाल की रहने वाली थी। और उस तारा मंडल में हमें एक भौतिक अध्यापक ने बताया कि कैसे कोई भी तारा मंडल में किसी प्रकार के वातावरण को दिखाया जाता है। और उन्होंने हमें इसरो चंद्रयान के बारे में भी बहुत कुछ बताया। फिर हम राष्ट्रीय डायरी घूमने गए। वहाँ पर हमें पशुओं की नस्ल के बारे में बताया कि कैसे नस्ल तैयार की जाती है और कैसे वहाँ पर दूध की मशीन से नए पदार्थ बनाए जाते हैं। और फिर हम कुरुक्षेत्र की मुख्य जगह धरोहर घूमने गए जो मुझे पुरानी और बहुत ही ज्यादा सुंदर था। धन्यवाद।